शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नम्स के पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो नम्स का पास्ट पेपर सॉल्व करूँगा वो है 2014 का, 2016 का, 2020 के जो नम्स के पेपर हुए हैं वो ऑलरेडी मैं आपके सॉल्व कर चुका हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ एंट्री टेस्ट होने से पहले पहले जितने पेपर्स अवेलेबल हैं वो सब के सब सॉल्व कर लूँ, ताकि आपको नम्स का पेपर पैटर्न पढ़ने में, समझने में, जानने में आसानी हो। तो कोशिश पूरी है, बाकी जो खुदा ताला को मंजूर होगा वही होगा। तो बस शुरू करते हैं, मगर इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया लेक्चर मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। साथ ही साथ आपने इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो बस शुरू करते हैं, आइए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं। तो मैं आज आपके साथ बात करूंगा नम्स के पास्ट पेपर 2014 की और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे कि हमने ऑलरेडी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर ली। अच्छा, इसमें 79 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन बड़े ट्रिकी हैं, वो अब मैं आपको समझाऊंगा, डिस्कस भी आपसे करता जाता हूं, और कुछ क्वेश्चन बड़े आसान हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं सबको। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन ऑफ दी नम्स बायोलॉजी पेपर 2014। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, आप मुझे जानते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर वन है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पजेस इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपको पता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो अब आपने इसमें सिर्फ देखना है कि आर्थ्रोपोड कौन सा है, तो वो ग्रास हॉपर इज एन आर्थ्रोपोड, तो ग्रास हॉपर इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा ग्रास हॉपर। जब हम क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं तो द गैमेटोफाइट ऑफ अल्वा इज, अब आप लोगों ने अगर ऑल्टरनेशन और जनरेशन इन अल्वा पढ़ी है, और मुझे उम्मीद आपने अच्छी पढ़ी होगी, ध्यान से पढ़ी होगी, तो जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है अल्वा का वो स्पोर्ट्स से जो है वो डेवलप होता है, और स्पोर्ट्स जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, तो गैमेटोफाइट जो अल्वा का होगा वो हैप्लॉइड ही होगा। ओके, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इट्स मेम्ब्रेन्स आर द साइट्स वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड वेयर ऑल फॉर्म्ड रेफर्स टू। अब सवाल थोड़ा सा एम्बिगुअस है, बट इट्स मेम्ब्रेन आर द साइट्स वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड की जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि थैलेकॉइड की बात हो रही है, थैलेकॉइड इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज एक्सेप्ट, अब देखिए इनमें उन्होंने पोलियोमेलाइटिस के आगे वायरल गोली लिख दी है, तो मेरे ख्याल है ये टाइपिंग एरर इनसे हुआ है। वेल, पोलियोमेलाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय पोलियो वायरस, आप सब लोगों को मालूम है, तो डी इसका आंसर होगा। ओके, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ प्लांट वायरस मोस्टली इज आर एन ए, तो याद कर लीजिए मोस्टली जो प्लांट वायरसेज होते हैं उनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो आर एन ए होता है। जो एनिमल वायरसेज होते हैं और जो बैक्टीरियोफेज वायरसेज होते हैं मोस्टली दे कंटेन डीएनए इन एज देयर जेनेटिक मटीरियल। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउलिंग मंकीज वाज स्टडीड बाय, मैं इसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ सवाल को, क्योंकि मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑल्टमैन वाज अ साइंटिस्ट जिसने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाउलिंग मंकीज को स्टडी किया था। अब इसमें तो ऑल्टमैन का ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। मैंने इसको फेडरल बोर्ड की बुक में से और पंजाब बोर्ड की बुक में से भी देखा है कि वहाँ से शायद मुझे मिल जाए, मुझे वहाँ से भी नहीं मिला। तो अगर आप में से किसी को इसके जवाब आता हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। द फ्लावर ऑफ अ फैमिली ग्रामिनी प्रोसेस कंटेन टू स्किल बिलो ओवरी विच आर कॉल्ड, बिल्कुल सही लिखा हुआ, ग्लम्स कहते हैं उनको, अपर ग्लम एंड लोअर ग्लम, तो ग्लम्स का ए इसका आंसर होगा। ओके, द टोटल ऑफ द अलील पॉपुलेशन इज कॉल्ड, अब अलील आपको पता है जीन को बोलते हैं, पॉपुलेशन का जो टोटल जीन होती है उसको हम जीन पूल कहते हैं, तो सी जीन पूल इसका आंसर होना चाहिए। द सेल्स दैट प्ले वाइटल रोल इन डिफरेंशिएशन वेरियस बॉडी पार्ट्स आर, अब आपको पता है ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है वो एक्टोडर्म, मेरोडर्म और एंडोडर्म तीनों से होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। फिब्रिनोजेन इज नेसेसरी फॉर, फिब्रिनोजेन इज अ प्रीकर्सर ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो बी ब्लड क्लॉटिंग इसका आंसर होगा। इट लुक्स लाइक ए सिंगल फ्लावर बट इट इज इनफैक्ट एन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कैपिचुलम, अगर आप सनफ्लावर को देखेंगे तो सनफ्लावर बेसिकली आपको एक फ्लावर लगता है, बट वो एक फ्लावर होता नहीं है, वो बहुत सारे छोटे छोटे फ्लाइट वो जो अपने फ्लोरेट्स होते हैं उनकी कलेक्शन होती है, तो इट्स कॉल्ड कैपिचुलम, तो कैपिचुलम इसका जो है वो आंसर होना चाहिए, डी कैपिचुलम। अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड्स विद ईदर ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस, इसको कहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा बैक क्रॉस को कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जो सी फिश होगी, क्योंकि कटल फिश इज अ मॉलस्क हमें बताए, सिल्वर फिश इज एन आर्थ्रोपोड ये हमें बताए, जेली फिश इज अ सिलेंट्रेड ये भी हमें बताया, तो वी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन विच इज सी फिश, तो सी फिश जो है उसका आंसर होना चाहिए।
फिब्रिनोजन जी नए सिर्फ वही सवाल जो है पलट के वापस आ गया है, ब्लड क्लॉटिंग इसका आंसर है। फिल्टर फीडर्स एक्सट्रैक्ट फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर, तो वो वाटर को फिल्टर करते हैं और वाटर को फिल्टर करके वहाँ से अपना फूड जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होम्योथर्मिक एनिमल, अब आप बताए होम्योथर्मिक आर एनिमल विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, तो उसमें से जो कैंगरू है, कैंगरू इज अ मैमल और आप पता है मैमल जो होते हैं वो होम्योथर्म्स होते हैं, तो डी कैंगरू इसका आंसर होना चाहिए। द इंडिविजुअल विद हेयर लिप, अब हेयर लिप आप समझते हैं कट लिप, तो जो लिप जो कट हुए होते हैं बच्चों की जिसको हम क्लेफ्ट लिप भी कहते हैं उसकी बात हो रही है, तो हार्ट पैलेट पॉलीडेक्टाइली क्लेफ्ट पैलेट माइक, इसमें क्लेफ्ट पैलेट सबसे नियरेस्ट का ऑप्शन है, क्लेफ्ट पैलेट सही होना चाहिए क्योंकि आप बताएं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट आमतौर पर एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। विच हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी फॉर सिचुएशन स्ट्रेस एंड एमरजेंसी, अब देखिए ये एम्बिगुअस सवाल है क्योंकि इसमें स्ट्रेस के लिए हमारे पास कॉर्टिसोल होना चाहिए, एमरजेंसी के लिए हमारे पास एड्रेनलिन होना चाहिए, अब इन्होंने एड्रेनलिन भी लिखा हुआ है, नॉर एड्रेनलिन भी लिखा हुआ है, कॉर्टिसोल लिखा ही नहीं है, तो अब अगर मैं इसको एमरजेंसी के तौर पर कंसीडर करूँ तो एड्रेनलिन कैसे आंसर हो जाएगा, स्ट्रेस के तौर पर कंसीडर करूँ तो कॉर्टिसोल होना चाहिए, वो जो है ही नहीं, तो ये सवाल ही गलत बन रहा है, तो मेरे ख्याल है वो याद करके जो लिखते हैं तो लिखने के अंदर कोई प्रॉब्लम उसमें हो रही है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, आप पता है एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरा अमाइनो एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन होता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। द टर्म बायवेलेंट मीन टू क्रोमोसोम्स, तो दो क्रोमोसोम जब एक दूसरे जब पेयर अप कर जाते हैं जैसे साइनेप्स में करते हैं तो उसी को हम बायवेलेंट कहते हैं ना, तो क्रोमोसोम इसका टू क्रोमोसोम इसका आंसर होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रोटीन प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट, ये प्रोटीनेशियस लिखने की कोशिश की गई है मेरे ख्याल है क्योंकि हूव्स हेमोग्लोबिन एंजाइम तीनों प्रोटीन होते हैं, तो स्टेरॉइड तो लिपिड्स होते हैं आपको मालूम ही है, तो स्टेरॉइड डी इसका आंसर होगा। मोस्ट फेवरेट होस्ट सेल फॉर एचआईवी वायरस इज, एचआईवी के लिए सबसे जो फेवरेट साइट है ना वो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, अब टी लिम्फोसाइट ज़्यादा प्रिसाइज है तो मैं टी लिम्फोसाइट ज़्यादा जाऊँगा, वैसे लिम्फोसाइट भी ऑप्शन सही होगा पर लिम्फोसाइट बी भी होते हैं और टी भी होते हैं, तो टी ज़्यादा प्रेफर्ड है तो मैं टी के साथ जाऊँगा, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। संकीन स्टोमेटा फाउंड इन ज़ेरोफाइट, आपको पता है ये उसकी ऑस्मो रेगुलेशन के एक एडेप्टिव मेथड है। द मैमल्स टर्म कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स, तो रेप्टाइल मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक एवोल्यूशन ही कौन सा है, तो मोनोट्रीम जिनको आप एक लाइंग मैमल्स भी कहते हैं वो इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक लंग्स आर फाउंड, स्पाइडर के अंदर बुक लंग्स होते हैं, आप बताएं बुक लंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब उसके अंदर से एयर पास होती है तो ऐसा लगता है जैसे हम किताब को, जैसे मेरे पास ये किताब है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे किताब को आप देखते हैं ना, किताब के पेपर आप ऐसे से करते हो ऐसे से, तो ये जिस तरीके से पेपर मूव कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल इस तरीके से वो वाइब्रेट करते हुए चलते हुए महसूस होते हैं, जैसे आप बुक के पेपर्स को जो है वो अपने थंब की मदद से खोल रहे हो उसके पूरे जो है वो सैक को, इस तरह से ऐसे होता है, तो स्पाइडर्स का आंसर होगा। हाइड्रा रिपुडिया एसेक्सुअली बाय बडिंग, आपकी बात तो आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, तो हाइड्रा एसेक्सुअली बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATPs, एक NADH आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। एन इंडिविजुअल हैज एन एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम विच सिंड्रोम डज इट रेफर टू, एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम है ना, तो या तो एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा या वाई होगा, वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आमतौर पर होते नहीं है तो एक्स ही होगा, तो इसका आंसर जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होना चाहिए, डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक हो गया। HIV इज ऑल्सो नोन एज HTLV वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टी लिम्फोसाइट इसकी फेवरेट साइड है, तो टी लिम्फोसाइट ज़्यादा बेटर इसका ऑप्शन है, तो HTLV इसका आंसर होना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एड्स को पहले HTLV-3 कहा जाता था, वो बाद में उसको हम HIV कहने लगे। स्मॉलर एनिमल्स रेट ऑफ रेस्परेशन नथिंग टू डू विद द साइज ऑफ एनिमल, ये इसका आंसर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रेस्परेशन का ताल्लुक जो होता है वो एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी रेट ऑफ रेस्परेशन ज़्यादा होगा, जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी उतना रेट ऑफ रेस्परेशन कम होगा, तो इसका साइज से मेरे ख्याल कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इसका मेटाबॉलिज्म से ताल्लुक होना चाहिए, तो सी मैं सी के साथ जाऊँगा। निकोटीन एंड टबैको डिक्रीज हार्ट रेट, नहीं है हार्ट रेट बढ़ाती है, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पता नहीं, पैरालाइज सेल, यस ये आपकी जो सीलेटेड एपिथेलियम होती है ट्रेकिया की उसको पैरालाइज कर देती है, दैट फाइज कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर, तो मैं डी के साथ जाऊँ। स्ट्रीम ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैरीज द फिक्सेशन ऑफ,
अब देखिए स्ट्रीम की जब हम बात करते हैं ना, स्ट्रीम बहाव, तो हम फ्लूइड को जहन में लेके आते हैं। तो अब क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड होता है वो तो स्ट्रोमा होता है, आप बताए स्ट्रोमा जो है साइट ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो हम केल्विन साइकिल में डार्क ग्रेडिएशन में उसको फिक्स करते हैं। तो आई विल गो विद डी, मैं डी की तरफ जाऊँगा। द वेल्व बिटवीन राइट एटीएम एंड राइट वेंटिकल इज कॉल्ड ट्रैक स्पीड वेल्व। ट्रैक स्पीड वेल्व होता है आपको बताया राइट एटीएम और राइट वेंटिकल के बीच में। एंथोसाइनिन द वेरियस टाइप ऑफ कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट इन, अब आपको बताया कलरफुल पिगमेंट ग्रीन को छोड़ के जो भी होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट का आंसर होना चाहिए। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, आपको याद है मैंने आपको ये बात बताई थी जब हमने ट्रांसपोर्टेशन के इम्यूनिटी के लेक्चर्स किए थे, और इम्यूनिटी के लेक्चर मेरे आपने देखे हुए भी हैं, इस तरफ लिंक भी आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा, ये इस जगह पे आप देख रहे होगे ना, ये इस जगह पे आपको लिंक उसकी नजर आ रही होगी, तो आप देख लीजिएगा। तो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द अलॉट टू द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ट्रीडियस, फिशर, राइट, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इन सब ने जो वो जो नियो डार्विनिज्म है उसमें काम किया, और वो इस सब में जो है इनका इनका रोल है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, सनलाइट से आती है एनवायरनमेंट में कंज्यूम हो जाती है, वापस जो है सूरज के पास नहीं जाती है। व्हेन अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए बी, ये आई इज आइसोहीमोग्लोबिन ए बी इज बॉर्न ऑफ अ वुमन विद जीनोटाइप आई बी एम बी, आई डोंट नो ये एम बी से इनकी मुराद क्या है, आई बी तो समझ आ रही, या तो ये आई बी ही लिखना चाह रहे थे और ये एम बी हो गया, तो आई डोंट नो, ये आई बी तो समझ आ रहा है। मतलब खातून है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसको एक बेबी बॉर्न हुआ है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। देन द फादर ऑफ अ चाइल्ड कुड नॉट बी अ मैन ऑफ जीनो टाइप, उसके बाप के पास कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी होगा होमोजाइगस बी होगा तो फिर बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी कैसे होगा, है ना, तो बी इसका आंसर होगा मेरे ख्याल, यानी वो जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप बी नहीं होगा, ए होगा, तो ए कोई ना कोई होना चाहिए। अब तीन ऑप्शन में हमें ए नज़र आ रही है, बी में भी नज़र आ रही है, सी में भी नज़र आ रही है, और डी में भी नज़र आ रही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज अ सिंगल कोडन, ट्रिप्टोफैन, ये याद कर लीजिए, ट्रिप्टोफैन इज द ओनली अमाइनो एसिड अलॉन्ग विद मिथियोनिन, जिसका भी एक ही आपके पास कोडॉन होता है AUG, तो ट्रिप्टोफैन इसका आंसर होगा। आइसोल्यूसिन, वैलिन और आर्जिनिन वगैरह के तो बहुत बहुत ज़्यादा कोड होते हैं, वो आप जब जेनेटिक कोड की लिस्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी बात। पोलियोमेलाइटिस नॉर्मली अफेक्ट्स द लेग्स ऑफ अ चाइल्ड, आप पता ना ज़्यादातर जो बच्चों को पोलियोमेलाइटिस होता है वो टांगों से माजूर हो जाते हैं, बेचारे हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, फिर उनको व्हील चेयर या स्पेशल स्टिक की मदद से वो चलते हैं, क्रचिस की मदद से, तो 40A इसका आंसर होगा। तो बच्चों अगर अब ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रही है तो काइंडली जल्दी से लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके 41, हु एक्सपेरिमेंटेड विद द डिसेक्टेड लेग ऑफ फ्रॉग, गैल्विन जो था उसने जो है वो उसके एक्सपेरिमेंट किए थे, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में बड़ा काम किया इसने, तो गैल्विन जो है इसका आंसर है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोमल मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये डी इसका जो है वो आंसर होगा। एम्ब्रियोनिक फ्लूइड इन हेमन एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड फ्रॉम जर्क्स, वो जो शॉक लगते हैं मदर को तो वो एम्ब्रियो तक वो नहीं पहुँचने देता, तो बी इसका आंसर होगा। डी जनरेशन इन केसमेंट नहीं, बी इसका आंसर होगा सही। अच्छा ये सवाल जो मैंने देखा ना, मुझे समझ ही नहीं आया ये सवाल है क्या, इसलिए मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। 44 का अगर किसी को समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, और मुझे भी समझाए कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत गौर किया, बड़ी मैंने इसको दिमाग लगाया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें ये करना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा। बायपिनेरियल लार्वा इज़ अ लार्वल फॉर्म ऑफ इकानोडर्मेट्स, तो इकानोडर्मेट्स का आंसर होगा। इकानोडर्मेट्स का जो लार्वा होता है उसको हम बायपिनेरियल लार्वा कहते हैं। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट ऑफ रैबिट इज, रैबिट्स में जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, उसका एक बार ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं 100 के साथ चला देता हूँ कि डी इसका आंसर होगा, सही होगा। व्हेन फ्रॉग इज केप्ट इन वाटर फॉर सम टाइम इट शेड अ थिन कवरिंग ऑफ स्किन विच इज स्क्वामस एपिथेलियम, याद कर लीजिए स्किन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी एनिमल की हो उसकी जो एपिथेलियम होती है वो स्क्वामस एपिथेलियम होती है। थोड़ा सा अगर हम इसको एलेबोरेट करते तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होनी चाहिए थी, बाल स्क्वामस एपिथेलियम इसका आंसर होगा। जीन म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA में, क्योंकि जीन DNA के पास होती है। When liver fat content of our body increases, then the condition leads to fatty liver. वो एक कंडीशन होती है जिसमें लिवर का जो फैटी कॉन्टेंट होता है वो 5% से ज़्यादा अगर हो जाए तो उसको हम फैटी लिवर कंसिडर करते हैं, 5% से ज़्यादा, तो फैटी लिवर इसका आंसर होगा। लो अगला सवाल ही वो आ गया।
इन फैटी लिवर द फैट कंटेंट्स आर मोर देन 5% ना, तो मैं बी के साथ जाऊँगा, तो क्योंकि बाकी तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, 1-2% तो नहीं हो सकता, 5% तक फैटी लिवर हो जाता है, 30-40 बहुत ज़्यादा है, 10-15 भी ज़्यादा है, तो आई विल गो विद बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर? ओबिलिया, ओबिलिया को आप पोर्टुगीज जो है मैन ऑफ वॉर भी कहते हो, वो आप डायग्राम देखो किताब में तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सूडोसिलोमेड एनिमल्स आर नीमेटोड्स, याद कर लीजिए सूडोसिलोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम नीमेटोडा, वो जो आप ट्यूब इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वो सूडोसिलोम की वजह से होती है। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू प्लेटीएलमेंट्स? नो, नीमेटोड नो, मॉलिक्स नो, आर्थ्रोपोड नो। अर्थवॉर्म बेसिकली इन एनीलीड, एनीलीडा का ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ देम का ऑप्शन है, तो आई विल गो विद नन ऑफ देम। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनीलीडा क्लास ओलिगोचिटा है ना। द प्राइमरी ओसाइट इन मैमल हैज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अराउंड इट्स? दोना पेलिसिडा, ये जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो मेरे ख्याल है जो फेडरल बोर्ड की किताब है और जो पंजाब बोर्ड की किताब है उसमें ये लिखा हुआ है, सिंध बोर्ड की किताब में ये लिखा हुआ नहीं। जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो एम्ब्रियोलॉजी के पहले चैप्टर में आप इसको पढ़ लेंगे, दोना पेलिसिडा ए इसका आंसर है। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसी इज फाउंड इन विच ऑफ द मैमेलियन ओसाइट? टर्शियरी ओसाइट, सेकेंडरी, प्राइमरी, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। सेकेंडरी की आई विल गो विद सेकेंडरी, टर्शियरी कहीं ऑप्शन नहीं है। वैसे तो टर्शियरी बड़ा प्रोमिनेंट होता है, सेकेंडरी में होता है बट इतना डेवलप नहीं होता, प्राइमरी बात तो बहुत ना होने के बराबर होता है, तो आई विल गो विद बी। फीमेल रैबिट्स आर इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर, सीजनल ओव्यूलेटर, इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर, यानी उनकी इंडक्शन अगर होगी तो वो ओव्यूलेट करेंगी, अदरवाइज वो ओव्यूलेट नहीं करेंगी, तो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर का आंसर है। ऑपोजिबल थंब, अब ऑपोजिशन क्या होती है, आप मेरा हाथ देख रहे हो ना, ये मेरा थंब है, मेरा थंब पूरे पाम को क्रॉस करके इस फिंगर को टच कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, तो ये जो मूवमेंट है जहाँ पर आपका थंब आपकी बाकी फिंगर की टिप्स को टच कर रहा है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑपोजिशन, इसको हम ऑपोजिशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो चूंकि ये इंसानों के अंदर होती है तो इंसान प्राइमेट है, तो प्राइमेट इसका आंसर होगा। डिफरेंस इन द स्केल द फिश एंड रेप्टाइल लाइज इन द इट्स एपिडर्मल एंड वेट, क्योंकि जो स्केल होते हैं दे डेवलप फ्रॉम एपिडर्म, तो एपिडर्म और वेट इसका आंसर होना चाहिए। विद ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है? रीनल वेन में नहीं होता, पल्मोनरी आर्टरी में नहीं होता, हेपेटिक पोर्टल वेन में नहीं होता, नन ऑफ दिस का आंसर हो। स्कैपुला इज द बोन ऑफ स्कल, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, वर्टिब्रल कॉलम, नन। पेक्टोरल गर्डल का आंसर होगा, जो हमारी ये शोल्डर गर्डल होती है, इसका पार्ट है शोल्डर गर्डल को हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। ओके, ऑल द डाइजेस्टिव आर फाउंड इन वर्टिब्रेट्स बाय, मुझे पता नहीं है सवाल क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, अगर ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर पूछ रहा है तो एंड्रोडम आंसर होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन वर्टिब्रेट पूछ रहा है तो भी एंड्रोडम होगा। अब ऑल द डाइजेस्टिव आर फाउंड इन, अभी सवाल समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल ये होगा ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इन वर्टिब्रेट बाय, मेरा ख्याल, तो एंड्रोडम इसका आंसर होना चाहिए, बी एंड्रोडम। अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रेप्टाइल, टर्टल्स, मैमल एंड फिश, फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर, क्योंकि बाकी तो एनिमल्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, बहुत सारा पानी चाहिए अमोनिया को एक्सक्रीट होने के लिए। आर्क्योटेरिक्स इन अ करेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ये तो आपने पढ़ा है, तो हर बोर्ड किताब में लिखा हुआ है रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच में। लिमांग्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यस, यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स, यस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यस, ऑल ऑफ दीज, यस, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको पता नहीं इलियम जो होती है इट हैज विलाई, और विलाई हैज फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो स्टमक, कोलन, लाइन, इंटेस्टाइन, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा। फ्लेम सेल आर कॉमनली फाउंड इन प्लेटीहेलमिंट्स के अंदर ही होते हैं, आपको पता है प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिंट, और वहाँ पर फ्लैट सेल्स होते हैं, फ्लेम सेल आपको मालूम है। द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन हॉर्स नेक, 7, हॉर्स की गर्दन में थोड़े बड़े वर्टिब्रेट होते हैं बट दे आर 7 इन नंबर, बहुत सारे मसल होते हैं जो उसको स्टेबलाइज रख के उसको मूव करवाते हैं, तो दे आर 7 वर्टिब्रेट। लीज डिस्टेंस विजन फॉर अ पर्सन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आप कहते हो नियर साइटेडनेस को ना, तो 25 सेंटीमीटर का आंसर होगा, 25 सेंटीमीटर गोल्ड में स्टैंडर्ड है, उससे ज़्यादा हो तो फिर आप चश्मा लगाते हैं, उससे कम हो तो फिर आप हो, इस तरह से कहानी होती है। द नर्व सेंटर फॉर साइट इज लोकेटेड इन थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ए एंड बी, नन ऑफ दी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल जो लोब होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, उसके अंदर ही लोकेट करता है। ऑन लैंड फ्रॉग्स आर मायोपिक,
ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। फ्रॉग की आईज बड़ी होती हैं, उसके लेंस की शेप ऐसी होती है कि उनको ना मायोपिया हो जाता है ऑन लैंड, तो बी मायोपिया किसका आंसर होगा। द सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट इन टंग आर नोन एज ऑल्फैक्टरी फॉर सूंघने के लिए, कुटेनियस स्किन के लिए, गेस्टेशन बोलते हैं टेस्ट को, तो गेस्टेटरी रिसेप्टर्स वो टेस्ट बड्स होती हैं, वो इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ कार्टिलेज फॉर्मेशन इज नोन एज कॉन्ड्रियोब्लास्ट, तो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रियोक्यूटोसिस, ये पता नहीं क्या होता है, कॉन्ड्रोजेनेसिस सी इज यहाँ से। सिग्निफिकेंट फाइट मसल फ्लाइट मसल इन बर्ड आर पेक्टोरल मसल, याद कर लीजिए जो चेस्ट मसल होते हैं, और आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं उनके जो फोर लिम्ब होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये चेस्ट की मसल विंग्स को जो है वो प्रोपेल करवाते हैं, तो पेक्टोरल मसल चेस्ट मसल को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूटेड टू लिमार्क, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नो इट्स डार्विन का है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी डार्विन का है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो लिमार्क का जो है वो कैरेक्टर है, सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस, ये तो श्लाइन एंड श्वान का, तो सी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कैन बेस्ट एक्सप्लेन द वेस्टिजियल ऑर्गन, डार्विनिज्म, डार्विनिज्म एक्सप्लेन दिस द बेस्ट, बेस्ट एक्सप्लेन करती है वेस्टिजियल ऑर्गन को, तो डार्विनिज्म इसका आंसर होगा। फूड इज एसिमिलेटेड बाय द बॉडी फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा बेटे, सी इसका आंसर होगा। सी हॉर्स इंक्लूडेड इन पाइसिस, सी हॉर्स जो है वो पाइसिस से बिलोंग करता है, आपको मालूम है आपने क्लास की पढ़ी हुई फिशेज की, तो ये पाइसिस से बिलोंग करता है। पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट, पॉन्ड इकोसिस्टम इज ए कंप्लीट इकोसिस्टम, दैट्स व्हाई उसको एज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम की जो है वो पढ़ाया जाता है, तो ए कंप्लीट इकोसिस्टम इसका आंसर होगा। डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव्स दे आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग सॉफ्ट बॉडी प्रोटेक्टेड बाय कैलकेरियस शेल डेवलपिंग फ्रॉम मेंटल लेयर, मॉलुस्क की बात हो रही है, तो उन्होंने मॉलुस्क की डेफिनेशन लिख दी है पूरी पूरी, तो मॉलुस्क की बात हो रही है। तो बेटा इस चैप्टर में, इस पेपर में, 2014 के पेपर में 79 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, मैंने आपको सबकी की बता दी, एक दो सवालों को छोड़ के, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, टाइपिंग कर रहा था, क्वेश्चन का प्रॉब्लम था, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी, बहुत हेल्प करेगी, और जो सवाल आपके परेशान आपको कर रहे होंगे, फंस रहे होंगे, वो सारे से निकल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।